नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा की एक कंपनी लंदन की एक पॉर्न कंपनी के साथ काम कर रही थी। ब्रिटेन की वो पॉर्न फर्म उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार ने खड़ी की थी, जो भारत के लिए पॉर्नोग्राफिक कंटेंट तैयार करने के काम में शामिल है। राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई की रात को इस केस में गिरफ्तार किया था। वहीं मुंबई पुलिस का आरोप है कि अश्लील फिल्मों के बनाने और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने में राज कुंद्रा शामिल थे। 20 जुलाई की सुबह राज कुंद्रा को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के रिश्ते लंदन की कंपनी कैनरिन से थे। ये कैनरिन कंपनी हॉटशॉट्स ऐप का संचालन करती है। बता दें कि ये कंपनी कथित तौर पर अश्लील सामग्री के निर्माण में लिप्त है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद भरांबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कंपनी तो लंदन में पंजीकृत थी, लेकिन कंटेंट निर्माण, ऐप का संचालन और अकाउंटिंग कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के जरिए होती थी। उनका कहना है कि कैनरिन का मालिक राज कुंद्रा का बहनोई है। अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं जो दोनों कंपनियों के बीच रिश्तों को दिखाते हैं। आपको बता दें कि मिलिंद भरांबे का आरोप है कि राज कुंद्रा के मुंबई ऑफिस की तलाशी के बाद उनके बीच का एक व्हाट्सएप ग्रुप पाया गया है। ईमेल का आदान प्रदान हुआ है, अकाउंटिंग संबंधी डिटेल और कुछ पॉर्न फिल्म भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे अहम सबूत केस में पुलिस ने इकट्ठे किए हैं। इसके तहत राज कुंद्रा और उनके आईटी हेड रियान थॉप को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि पुलिस ने राज कुंद्रा को इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया है। मालवानी पुलिस स्टेशन में 4 फरवरी को इस संबंध में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में अप्रैल में चार्जशीट दायर होने के बाद अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी होने के सवाल पर मुंबई पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि केस को मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जाँच परख जरूरी थी। पुलिस की ऐसी किसी कार्रवाई के पहले पैसे के लेन देन, अकाउंट के असली मालिकों, पॉन कंटेंट और उसे प्रसारित करने वालों को जांच परख कर प्रमाणित करना आवश्यक था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।